दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों मॉर्निंग में बिहार सिविल कोड पर एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको क्लियर कट बताए थे जो बिहार सिविल कोड अभी मिशन मोड में है, क्योंकि 9 अगस्त को बिहार सिविल कोड कोर्ट रीडर के टोटल 42+1 43 स्टूडेंट को इंटरव्यू लिए हैं। और हम ये भी बोले हैं स्टेनोग्राफर के लिए बिहार सिविल कोर्ट कभी भी आपको नोटिस जारी कर सकती हो। अभी अभी 1 घंटा पहले स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए बिहार सिविल कोर्ट नोटिस जारी किए। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट किस किस दिन होगी, कितना दिन टोटल स्किल टेस्ट चलेगी, इसके लिए एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा, साथ ही साथ प्यून और कलर के एग्जाम डेट कब रिलीज करेगी बिहार सिविल कोर्ट। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली जो बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी अभी सिविल कोड 1 घंटा पहले स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट के लिए नोटिस जारी किया जो कि 20 और 21 अगस्त को 2 दिन स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा और आपका एडमिट कार्ड 16 अगस्त को ऑफिशियल साइट पर, जो सिविल कोड का ऑफिशियल साइट है वही ऑफिशियल साइट पर 16 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज करेगा और 2 दिन ऑर्गेनाइज होगा आपका स्किल टेस्ट, 2 दिन ऑर्गेनाइज होगा 20 और 21 अगस्त। हम पहले ही बता दिए थे मॉर्निंग में ही जो कभी भी बिहार सिविल कोर्ट आपको स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिविल कोर्ट मिशन मोड में और 21 अगस्त के बाद, ध्यान सुन लीजिए, 21 अगस्त के बाद बिहार सिविल कोर्ट प्यून और कलर के एग्जाम डेट में भी लग जाएगा, एग्जाम में भी लग जाएगा। तो हम बोले थे इस महीना के लास्ट तक आपको जो है स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का कहानी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बिहार सिविल कोर्ट प्यून और कलर के एग्जाम में ही लगेगा। हम पहले ही बता दिए क्योंकि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आप लोग को गलत लगता है वो अलग बात, थोड़ा सा लेट मेरा वीडियो आता है वो अलग बात, बट जो भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो बनाया और अभी देखिए 1 घंटा पहले सिविल कोड आपको नोटिस जारी कर दिया स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए। खुद सोचिए, अब ये हम भी ये नहीं कहते जो हम 100% सही ही बोलते हैं, मेरा 100% बात सही हो जाता, बट आप देखिए, खुद आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट हमारे सिविल कोड में प्यून और कलर का स्टूडेंट है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम पहले ही बता दें सिविल कोड 6 महीना सो जाता है और एक ही बार 6 महीना जगता है और एग्जाम डेट रिलीज कर देता है। जैसे देखिए आप कोर्ट रीडर में आप देख लिए जो टोटल 43 स्टूडेंट को इंटरव्यू ले लिया, उसके जस्ट 9 तारीख इंटरव्यू लिए, बीच में 1 दिन एबसेंट हुआ जो कि 10 अगस्त, और देखिए आज 11 अगस्त है, स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट के लिए नोटिस जारी कर दिए। तो अभी सिविल कोर्ट पूरे मिशन मोड में है, ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 21 अगस्त के बाद प्यून और कलर एग्जाम में सिविल कोर्ट लग जाएगा, इसलिए आप लोग के पास समय नहीं है, इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि 21 अगस्त के बाद कभी भी प्यून और कलर के एग्जाम डेट रिलीज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 21 अगस्त को बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर कोर्ट रीडर से फ्री हो जाएगा, उसके बाद आपको कभी भी नोटिस आ सकती है प्यून और कलर एग्जाम डेट के बारे में, इसीलिए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको मौका नहीं देगा, थोड़ा भी आपको मौका अब नहीं देगा। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही प्यून और कलर की एग्जाम डेट के बारे में कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हाँ, ये नोटिस अगर आपको चाहिए तो PhD का इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको नोटिस मिल जाएगा। थैंक यू।